तो भाई सनातन धर्म में क्या बन रहा है, वीडियो में एंड तक रहो, पता चल गया क्या बन रहा है, मूर्ति कितनी ऊंची होने वाली, वीडियो में एंड तक बने रहो। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में हम लोग जा रहे हैं सनातन धर्म, वहाँ पे दुर्गा पूजा पंडाल। एक भाई कॉमेंट किया था क्या बन रहा है इस बार सनातन धर्म दुर्गा पूजा पंडाल में। फिलहाल अभी हमें भी नहीं पता क्या बन रहा है, तो वीडियो में एंड तक बन रहा है। हम वीडियो में आपको बताने वाले क्या बन रहा है, अभी तक वहाँ का कोई वीडियो नहीं बनाया है, पहला वीडियो मेरा होने वाला है। तो वीडियो जितना हो सके शेयर भी करिएगा। और फिलहाल अभी सुबह का टाइम है, नींद बहुत तगड़ा आ रहा है, जबरी उठ के आए हैं, वीडियो कंटेंट देना था। तो पहले चलते हैं चाय पीते हैं, फिर उसके बाद हम चलेंगे सनातन धर्म, दिखाते हैं उस बार क्या बन रहा है और कितना बन चुका है मूर्ति में, इस बार क्या बन रहा है, ठीक है वहाँ, क्योंकि मूर्ति पहले से बनना चालू हो जाता है। तो यार वीडियो में तक बने रहिएगा और लाइक जरूर करिए यार, वीडियो अच्छा लगे तो आइए जब चलते हैं। और सुबह सुबह तो हम लोग आए चाय पीने, यार लेके आया चाय। ये बताओ चाय का दुकान कहाँ पे है, ठीक है बताओ चाय का दुकान कहाँ पे है। अच्छा यहाँ का चाय जो बनिया रहता कम, तो फिलहाल हम चाय पीते हैं फिर हम चलते हैं, पहले नींद भगाया जाए। और ये दुकान कहाँ पे कमेंट करना। नींद तो फिलहाल गायब और हम लोग आ गए सनातन धर्म गेट पे, ठीक है गेट अभी बंद है, अब चलते हैं पहले अंदर कहीं से, कहीं से गेट है वहाँ से हम लोग अंदर चलते हैं, फिर दिखाते हैं अंदर क्या बन रहा है। और आज टाइमिंग ठीक है यार, फिलहाल गेट बंद है, हम लोग चले जाएंगे। अभी एक दिन आए थे तो स्कूल, मतलब यहाँ स्कूल भी है, तो यहाँ पे जब 7:30-8 बजे के लमसम अंदर नहीं जाने देते हैं क्योंकि क्लासेस चालू हो जाते हैं। तो अभी तो फिलहाल बंद है, तो अभी हम अंदर जा सकते हैं, अंदर चलते हैं दिखाते हैं क्या बन रहा है। तो यार फिलहाल सुबह सुबह आए हैं, अभी तो यहाँ का ज़्यादा बना नहीं है और अभी यहाँ काम चल रहा है, यहाँ देख सकते हैं ये बैठा है वहाँ पर, काम अभी चल रहा है। बट यार अभी वीडियो में एंड तक बने हैं तो फिर हम बता देंगे क्या बन रहा है, कोई दिखता है तो फिर हम पूछ के बताते हैं। और फिलहाल सनातन धर्म में पंडाल जो है इतने बड़े में ही रहता है पूरा, मतलब पंडाल का एरिया उधर रहता है और देखने वाले इधर। एक दो बार केदार, पिछले साल केदारनाथ का मंदिर बना था, एक बार वैष्णो देवी बना था। और इधर देखेंगे तो पूरे खाने पीने के स्टॉल लगे रहते हैं और पीछे एक साइड जो है यहाँ का मूर्ति जो यहीं पर बनता है पीछे की साइड, देखते हैं इस बार बन रहा है कि नहीं वो भी दिखाते हैं। यार इसी स्कूल से तो पढ़े बैठा हूँ, वो जो झूला देख रहे हैं एक्सरसाइज वाला, वो कब लग गया नहीं पता, जब हम लोग वैसे तो हम लोग तो आए भी नहीं हैं, मतलब क्लास भी नहीं किए हैं। और फिलहाल देख रहे हैं, और जो हर बार बांस बल्ली पूरा लगता था बहुत ज़्यादा, इस बार बांस बल्ली का यूज़ कम किया गया है, इस तरह जो लोहे के ग्रिल हैं इसका यूज़ ज़्यादा हुआ है, देख सकते हैं पूरा चारों तरफ यही देखने को मिलेगा। और फिलहाल अभी पंडाल का इस तरह से कोई स्ट्रक्चर तो नहीं पता चल रहा है, बट पूछते हैं किसी से, देखते हैं क्या बन रहा है। ये देखिए आते एक्सरसाइज करने लगा, घर पर सो के उठेगा 10 बजे, आज का 5 बजे उठ गया तो एक्सरसाइज करना चालू, वही कह रही सब नया नया लग गया है, अभी तक तो फिलहाल नहीं लगा था। आइए चलते पीछे, वहाँ देखिए वहाँ मूर्ति बन रहा है और पीछे भी मूर्ति बन के रखा रहता है, तो आइए चलते हैं पीछे दिखाते हैं आप लोगों को कैसा मूर्ति बना इस बार। वो जैसा कि पता ये देखिए काम चल रहा है दोनों पिलर पर अभी, तो यहाँ पे देखिए मूर्ति बन रहा है, हर साल आएंगे आपको यहाँ पे मूर्ति रखा हुआ दिख जाए क्योंकि यहाँ पे बनता है। और पीछे जो मंदिर है कोई महाकालेश्वर, मतलब महादेव की मंदिर है सनातन धर्म स्कूल में, अंदर भी बनता है तो अभी उधर भी चलेंगे। तो इधर देखेंगे भाई सासु और दुर्गा जी का मूर्ति इधर ही बन रहा है, और पूरा का पूरा यहाँ पे इलेक्ट्रिक मूर्ति रहता है। अरे भाई ई का ई तो ढेर मार गया, अरे भाई ई कह रहा था भागेंगे नहीं बांस उठाएंगे, देखो कैसे भाग रहा है सबसे पहले यही भागा है और आने तो गया ये बांस उठा, कहा था कि हम रुकेंगे भागेंगे नहीं। और फिलहाल यहाँ इलेक्ट्रॉनिक मूर्ति बनता है इसलिए यहाँ पे पूरा मूर्ति खुद डिजाइन होता है, हाथ अलग चलेगा, मुंह अलग घूमेगा, आंख अलग बंद होता है, पूरा अलग ही डिजाइन होता है। भाई साहब सुर से लेके दुर्गा जी की मूर्ति में बहुत ही ज़्यादा वो बारीकी से बनाया जाता है। तो आइए चलते फिलहाल उधर अंदर दिखाते हैं वहाँ क्या बन रहा है। अरे ये सब तो अलग डेर वा रहे हैं, मैं ये जगह पास लेके दौड़ गया ये बांस लेके जा रहा है। और हम लोग ऊपर तो आए और यहीं पे मूर्ति बनता है, ठीक है अभी पता नहीं क्यों नहीं बन रहा है, या हो सकता है अंदर वगैरह, क्योंकि यहाँ पे तिरपाल लगाते हैं फिर उसके बाद बनाते हैं क्योंकि बारिश कभी भी हो सकता है। और बट इधर देखेंगे तो ये सारा डेकोरेशन के लिए ही, वह लकड़ी का डिज़ाइन का फ्रेम मेरे वीडियो में बांस ले लेंगे क्या गूबरे को, ये लकड़ी का फ्रेम डिज़ाइन जो है और फिर ये तार वगैरह हो सकता है पीओपी लगाने के लिए यूज़ में आ जाए या फिर मूर्ति बनाने के यूज़ में आ जाए। ये तिरपाल देख रहे हैं ना यही अभी इधर लगे, हो सकता है अभी इधर का मूर्ति बने, अभी तो वहाँ पे भी देख रहे हैं मूर्ति बन ही रहा है, दो मूर्ति बना है अभी, यहाँ पे 3-4 मूर्ति वगैरह बनते हैं तो अभी बनेंगे। और इसी मंदिर की बात कर रहे थे तो
और फिलहाल हम चलते हैं पंडाल के पास, फिर हम लोग वीडियो को एंड करते हैं। तो यार एक लोग से पता किए हैं, पूछे कि यहाँ पे बन क्या रहा है। वे भाई कुल तो अलग डेरवा रहे बंदर। तो यहाँ पे बन रहा है जयपुर का शीश महल। और शीश महल हम आए तो पहले ही नोटिस किए थे ये क्या है कि इसमें शीशा चिपका है। तो उस टाइम हमें पता नहीं था कि क्या है, उस टाइम नोटिस किए थे बट पता नहीं था क्या है बन रहा है। अभी पूछे हैं तो बताया कि शीश महल बन रहा है जयपुर का, और यहाँ का जो मूर्ति रहने वाला इस बार का 25 फीट ऊंचा रहने वाला है। ठीक है, मेन डिटेल यही था कि बन क्या रहा है, क्योंकि अभी तक कंफ्यूजन में था बन क्या रहा है, क्योंकि इतना स्ट्रक्चर था नहीं पता चला था क्या बन रहा है। इसलिए देख रहे हैं चौकोर चौकोर पूरे फ्रेम बने हैं, और ये पूरे के पूरे चौकोर चौकोर फ्रेम है जो वहाँ लगाए जाएंगे। तो ये शीश महल का लुक दिया जाएगा। तो वीडियो आप लोगों को कैसा लगा वो आप लोग नीचे कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा। चैनल अरे भाई चैनल पर नया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिएगा। हो सके ये वीडियो शेयर कर दीजिए, जिसको नहीं पता उसको शेयर कर दीजिए। हम आप लोग से मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।